मरहूम हसन अली हुसैन मुराज के फात इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीन अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावात अला मुहम्मद व आलिही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ब्रदर ने अज़ीज़ बुखारा ने मोहतरम, ज़ाहिर है कि सूरह रोम पर आज हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होना है। यह कुरान मजीद का 30वां सूरा है, 30th चैप्टर ऑफ द होली बुक, और इसकी 60 आयतें हैं, 6060। और सीक्वेंस में अगर आप देखें तो इससे पहले 29 चैप्टर सूरह अनकबूत है कि जिसको लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था, और इसके बाद जो सब सीक्वेंट सूरह है वो है सूरह लुकमान 31st चैप्टर। सूरह रोम भी उन सूरों में शामिल है कि जिन्हें शब कदर में ख़ास तौर पर 23वीं शब में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। और इस सूरह के हवाले से एक रिवायत मौजूद है कि जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई इसकी तिलावत करे तो दिन और रात में अगर कुछ लैप्स हो गया, यानी जो करने का काम था और वो नहीं कर पाया, ज़ाहिर है कि आखिरत से मुतालक बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान करना चाहता है नहीं कर पाता, तो अगर कुछ ऐसे काम थे कि जो करने के थे और वो नहीं कर पाया, तो ये सूरा कंपनसेशन बन जाता है उन कामों के लिए कि जिनको इंसान अंजाम नहीं दे पाया। विद वेरी गुड इंटेंशन, ज़ाहिर है कि इंसान उसकी जो नीयत होती है वो तो उसके अमल से ज़्यादा की होती है, हमेशा यही होता है कि इंसान जो करना चाहता है वो ज़्यादा होता है, जो करता है वो कम होता है। यानी इसमें सुस्ती की बात नहीं हो रही है, एक तो लथार्जिक अप्रोच है कि इंसान एक लेजीनेस का या कमज़ोरी का या सुस्ती का मुजाहरा करे, ना, एक इंसान अपनी पूरी स्पिरिट के साथ, पूरी एफर्ट के साथ अगर कुछ करना चाहता है तो अपनी लिमिटेशन की वजह से नहीं कर पाता। तो जब वो नहीं कर पाता तो टाइम के अंदर घंटे तो 24 घंटे ही हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो काम करने हैं वो 24 घंटों से ज़्यादा की मुद्दत मांगते हैं, ड्यूरेशन मांगते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा वो सारे काम के जो वो करना चाहता है। तो उसकी उस इंटेंशन की वजह से परवरदिगार आलम उसको ये रिवॉर्ड देता है कि अगर उसने सूरह रोम की तिलावत की तो ये तिलावत, ये रिसाइटेशन उसके लिए कंपनसेशन का काम अंजाम देगी। ये तो हो गई एक बात। अब इसके बाद अगर आप इस सूरह की वजह तस्मिया, यानी रीज़न क्या है कि इसका ये टाइटल या इसका ये नाम रखा गया, अगर आपको याद हो तो सूरह अनकबूत को सूरह अनकबूत कहा गया था अनकबूत के ज़िक्र की वजह से, अनकबूत यानी स्पाइडर, मकड़ी। तो चूंकि वहाँ पर मुशरिकीन के मामलात को मकड़ी के घर की कमज़ोरी के ज़रिए से समझाया गया था, इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, के घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है, तो वो स्पाइडर वेब उसकी तरफ जो मुतवज्जे किया गया, तो उस जिक्र की वजह से इस पूरे सूरह का टाइटल पड़ गया सूरह अनकबूत।
अब ये जो 30वां सूरा है इसमें तो कहीं दूर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। पहली आयत अगर आप देखें तो हरूफ मुकत्यात हैं अलिफ लाम मीम, और फिर अलिफ लाम मीम के फौरन बाद एक खबर है कि जो दी जा रही है, गुलेबतर रोम, रोम मगलूब हो गया। और फिर उसके बाद एक पेशन गोई है। देखिए एक है न्यूज़ और एक है पेशन गोई। तो न्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया, और एक चीज़ ये है कि फोरकास्ट किया जा रहा है कि आगे ये होने वाला है। तो जैसे ये कहा जाएगा आगे ये होने वाला है, तो फौरन सवाल ये जहन में आता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। इस बात को जहन में रखिएगा कि कुरान मजीद बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो इंसान की ऑब्जर्वेशन में होती है, आपके मेरे मुशाहदे में होती है। जब उनकी तरफ कुरान मजीद मुतवज्जे करता है तो वो पेशन गोई नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑब्जर्वेबल थी और इंसान को उसके ज़रिए से किसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। आपको रुकना चाहिए था, आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, क्या मतलब, ये कब कहा जाएगा। आप सड़क पर थे, आपके साथ ही सीट के ऊपर कोई दूसरा मौजूद था, आपने गाड़ी को चलाया, गाड़ी को रोका नहीं और एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया उसने बराबर से ये कहा आपको रुकना चाहिए था, आप रुके क्यों नहीं। मुझे क्यों रुकना चाहिए था, कि आपने रेड सिग्नल नहीं देखा था। अब आप गौर कीजिए कि क्या वो वाकई रेड सिग्नल की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। असल मकसद ये था कि रेड सिग्नल जब आपने देखा तो उसके ज़रिए से आपको इस पैगाम को कॉम्प्रीहेंड करना था कि जब साइन रेड होता है तो रुकना होता है। आपने रेड सिग्नल को देखा मगर उसके पीछे जो मैसेज था उसको आपने इग्नोर कर दिया, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। जब इस्लाम कुरान कायनात की बात करता है, चांद की बात करता है, सितारे की बात करता है, ज़मीन की बात करता है, आसमान की बात करता है, ये सारी गुफ्तगु उसी अंदाज की है कि इसके अंदर जो हिडन कंसील्ड बिटवीन द लाइंस मैसेज मौजूद है, तुम उसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते। तुम इनको देखते हो, सूरज को देखते हो, उसकी रोशनी को देखते हो, तो क्यों तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि सूरज को ये जगमगाहट किसने अता की। जब तुम चांद को देखते हो और चांद की चांदनी को मुशाहिदा करते हो तो उस सफ़ेदी के अंदर पीछे कहीं तुम्हें बैकग्राउंड के अंदर उस खालिक की, उस कादिर की कुदरत का कोई रिफ्लेक्शन महसूस नहीं होता। ये वो अंदाज़ है कि जो इन आयतों और इन निशानियों के ज़रिए से परवरदिगार आलम मुतवज्जे कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये चांद को देखना इसके लिए मोमिन होना ज़रूरी नहीं है। चांद तो हर एक को नज़र आ रहा है, काफिर हो, मुसलमान हो, एथियस्ट हो, मुल्हिद हो, कोई भी हो, वो चांद को देखेगा। इसके ज़रिए से तो हुज्जत तमाम होगी कि जब तुम चांद को देख रहे थे तो चांद के पीछे तुम्हें खुदा की कुदरत नज़र आनी चाहिए थी। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, उसके लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, उसके लिए इंसान को गौर व फिक्र करना होता है। सूरज को देखो, ज़मीन को देखो, सनूरी हिम आयातना फिल आफाक वफ़ी अनफुसहिम, हम अनकरीब दिखलाते हैं, दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियाँ आफाक में भी, कायनात यूनिवर्स में भी, वफ़ी अनफुसहिम और इनके अपने वजूद के अंदर, हत्ता यतबैन लहुम अन्नहुल हक, यहाँ तक के इनके लिए रोशन हो जाएगा कि वो हक है। ये जो इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम कह रहा है ये वही बात है जो अभी मैंने आपके सामने गुजारिश की कि इनको देखो और इनके ज़रिए से खालिक तक पहुँचने की कोशिश करो। मखलूक को देखो, खालिक तक पहुँचो, ममलूक को देखो, मालिक तक पहुँचो, मसनू को देखो, साने तक पहुँचो। ये है उन ऑब्जर्वेबल चीज़ों के ज़रिए से जहन को मुतवज्जे करना। अगर कुरान मजीद ना भी हो, अगर कोई नबी ना भी आए, अगर कोई इमाम ना भी हो, तब भी एक इंसान के इंसान होने का तकाजा ये है कि कम से कम वो खालिक के वजूद तक पहुँच जाए, चाहे उसको डिटेल्स मालूम ना हो, मगर इतना उसे समझना चाहिए उसकी अक्ल की रहनुमाई के ज़रिए से। ये बात कुरान मजीद इसके अंदर फैसिलिटेट करता है। जब कुरान मजीद भी इन निशानियों के ज़रिए से गुफ्तगू करता है तो ये फर्दर फैसिलिटेशन है जिसके लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंबिया की आमद की गरज व गायत ऑब्जेक्टिव उसको बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, लियसीरु दफा इनल उकूल, कि अंबिया को खुदा ने इसलिए भेजा कि जो अक्ल के दफीने हैं उन पर पड़ी हुई गर्द व गुबार को झाड़ कर साफ करके उसे उजला बना दे। ये फैसिलिटेशन के लिए अमीरुल मोमिनीन की एक ताबीर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक
कन्वे हो पा रही होगी। अगर ये बात वाजे हो गई ना, अब आइए, अगर ये कुरान मजीद कहे कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये खबर है, एक न्यूज़ है भाई, दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ये भी हो गया, इसके जरिए से हिदायत मकसूद है? डायरेक्ट कौन सी हिदायत इसके जरिए से हो सकती है? ये वाकया हो गया, मैं मिसाल के तौर पर कहूं कि भाई कराची है, कराची के साथ ही एक दूसरा शहर है जिसका नाम है हैदराबाद, सो वॉट, इसका क्या ताल्लुक है हिदायत के साथ? इसका क्या ताल्लुक है रहनुमाई के हवाले से, गाइडेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? अगर कुरान मजीद यह कहे गोलेबत रोम, रोम मगलूब हो गया, एक तो रीजन ये हो सकता है कि जनाब इस कुरान के जरिए से हम तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई और दूसरा ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था, तो समझो कि तुम्हें ये बताया जा रहा है तो कैसे बताया जा रहा है। अब उसके अंदर गुफ्तगू शुरू हो कि जनाब देखें हम कोई ऐसा एक्स वाई जेड सोर्स अवेलेबल था कि जिसके जरिए से इसको हासिल किया जा सकता था। हो सकता है कि भाई व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज पहले आ जाए, मेरे पास बाद में आए, मगर सोर्स तो व्हाट्सएप हुआ ना, इंटरनेट के जरिए से किसी ने अमेरिका की खबर आपको दे दी, आपके पास पहले पहुंची, मेरे पास बाद में पहुंची, मगर सोर्स हमारे लिए एक ह्यूमन सोर्स, एक फिजिकल सोर्स अवेलेबल है, तो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि नहीं जनाब ये सोर्स ह्यूमन सोर्स नहीं है, ये सोर्स कोई फिजिकल सोर्स नहीं है, तो फिर उसके बाद जाहिर है कि इसके जरिए से एक चीज एस्टेब्लिश होती है कि जब किसी इंसान के जरिए से ये खबर नहीं मिली है तो लाजिमन ये खबर आई है उसकी तरफ से जो इंसान का खालिक है। जब ये चीज एस्टेब्लिश होती है तो उसके जरिए से पैगंबर अकरम की रिसालत एस्टेब्लिश होती है, पैगंबर अकरम की नबूवत एस्टेब्लिश होती है। दिस इज इन कनेक्शन विद दोज न्यूज कि जिनका ताल्लुक पास्ट के साथ, जिनका ताल्लुक माजी के साथ। कुरान मजीद ने कहा गोलेबत रोम, रोम मगलूब हो गया, मगर ये मामला कि रोम मगलूब हो गया और उसके जानने के बारे में तुम्हारे पास कोई ह्यूमन सोर्स मौजूद नहीं है, तब तो ये बात होगी। इस वक्त कुरान मजीद ने इस हवाले से कोई बहुत ज्यादा इसरार नहीं किया। जो कुरान मजीद का इसरार है वो इस बारे में है कि अगरचे रोम मगलूब हो गया, रोम शिकस्त खा गया, मगर अनकरीब बिज़ सिनीन, कुछ सालों के बाद एक काम होने वाला है। यह तय है कि अगर ऐसी कोई पेशन गोई की जाए तो इसका तो माजी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका तो ताल्लुक फ्यूचर के साथ, और जब फ्यूचर के साथ इसका ताल्लुक है तो फिर क्या होगा कि जितने अफराद भी एड्रेसी हैं वो सब माइक्रोस्कोप लेकर बैठ जाएंगे, लेट्स सी, लेट्स चेक, ये तो बहुत बड़ी बात हमारे हाथ में आ गई। कुरान मजीद ने यह बात कह दी कि कुछ सालों के बाद ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है कि रोम जो मगलूब हो गया था वो गालिब आ जाएगा, पर्शिया जो गालिब आ गया था वो मगलूब हो जाएगा, यानी 180 डिग्री पर मामला चला जाएगा। उसका नतीजा ये निकला कि जब कुरान मजीद ने एक मुस्तकबिल की खबर दी, यानी मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि अगर माजी की, पास्ट की अगर कोई न्यूज है तो फिर आपको एग्जामिन करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मगर जब मुस्तकबिल की बात की जा रही है कि एक ऐसा वाकया है कि जो मुस्तकबिल के अंदर होने वाला है, तो इनका सोर्स क्या है? मुस्तकबिल में तो वो चीज है, फ्यूचर में तो वो चीज है कि जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर इनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? वन ऑफ द रीजंस के जिसके जरिए से कुरान मजीद का मिरेकल होना जस्टिफाई किया गया है, उसके ऊपर दलील कायम की गई है, वो उसकी गैब की खबरें हैं। कुरान मजीद ने बहुत सी गैब की खबरें बयान की हैं, उन गैब की खबरों में से एक गैब की खबर यह है कि जिसका ताल्लुक उस पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर के साथ था। मैं चाहूंगा कि ये वाला पेज जो मैंने दिया हुआ है उसको जरा सा डिस्प्ले किया जाए, थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड समझना होगा, यानी मेरे वो दोस्त के जो रीडिंग के आदि हैं तफसीर पढ़ने के, वो यकीनन इसके हवाले से जानते होंगे, मगर मेरे दूसरे तमाम दोस्त अगर हो सके तो इसकी कॉपी, यानी आपके पास सॉफ्ट कॉपी आप इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी फेसबुक के ऊपर, जहां हमारे पेज से भी और महफिल के पेज से भी इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जाकर घर पर स्टडी कीजिएगा। ये एक कुछ चेन है, कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बगैर ये समझ में नहीं आ सकेगा। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि जिस मौके पर पैगंबर अकरम ऐलान रिसालत कर रहे थे उस वक्त ये दोनों एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे, पर्शियन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर। ईरानी सल्तनत या पर्शियन एम्पायर
आज से अगर आप हिसाब किताब जोड़ें रफली तो तकरीबन 2500 साल पुरानी ये सल्तनत थी। 2500 साल पुराना ये मामला था, 2500 ईयर्स अगो। किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? साइरस। साइरस ने इसको इस्टेब्लिश किया था। साइरस ही के लिए एक दूसरा नाम है ज़ुल्करनैन। कुरान मजीद में सूरह कहफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़ुल्करनैन का जिक्र मिलेगा, और गैर मामूली अंदाज में परवरदिगार आलम ने बड़ा एडमायर किया है, बड़ा ग्लोरीफाई किया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है जनाब ज़ुल्करनैन को। तो जनाब ज़ुल्करनैन क्या यही साइरस थे? इस हवाले से भी अगर आप में से वो अहबाब के जिनका पढ़ने का शौक़ है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहकीक को ज़रूर पढ़ें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज नॉट शिया, मगर उन्होंने सूरह कहफ के हवाले से जो रिसर्च की उसमें इस चीज़ को डिस्कवर किया और इसके लिए दलाइल फराम किए कि जिनका तस्करा ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद के अंदर आया है ये वही शख्सियत हैं कि जिनको साइरस कहा जाता है, खुसरो ये जिनको कहा जाता है ये वही शख्सियत हैं। और उन्होंने 2500 साल पहले ये सल्तनत फारस उसको इस्टेब्लिश किया था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तहकीक है वो इतनी मशहूर हुई, इतना ज़्यादा उसे एक्सेप्टेंस मिली कि अगर आप देखें तो हमारे भी बहुत से उलमा हैं जिन्होंने बाद में तफासीर लिखी, उन्होंने इसी नज़रिए को बाई किया और अब तकरीबन मेन स्ट्रीम नज़रिया यही बन चुका है कि जनाब ज़ुल्करनैन और साइरस एक ही शख्सियत है। एक अरसे तक बाज़ अफराद सिकंदर आज़म की बात किया करते थे कि शायद ज़ुल्करनैन से वो मुराद हैं, मगर बाद में ये तमाम तर थ्यूरीज नलीफाई हो गई और इन सब को रिजेक्ट कर दिया गया। ज़ुल्करनैन साइरस ये एक ही शख्सियत के दो नाम हैं, ऑलमोस्ट ये इस्टेब्लिश हो गया। आसान सा एक हवाला मैं आपको दूं कि तफसीर नमूना में आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने भी अगर आप सूरह कहफ की तफसीर देखेंगे, इस वक्त तो वो हमारा मौजू नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने इसी नज़रिए को एक्सेप्ट किया। तो अब आ जाइए वापस से जो मैं गुजारिश कर रहा था कि 2500 साल पहले साइरस ने, ज़ुल्करनैन ने सल्तनत जो ईरान की पर्शियन एम्पायर उसकी बुनियाद रखी। और दूसरी तरफ आ जाएं तो ये रोमा सल्तनत, रोमा या रोमन एम्पायर, इसका भी मामला ये है कि ये कोई ताज़ा ईजाद नहीं थी, वो भी इस्टेब्लिश्ड एक एम्पायर था। और अगर उसकी आप वसत देखें ना तो उसके अंदर पूरा यूरोप शामिल था। थोड़ा सा मैप आपको सामने रखना पड़ेगा तो आप जहन में सही तरीके से इसको स्केच कर पाएंगे कि पूरा यूरोप तकरीबन मोस्ट ऑफ द यूरोप, उसके साथ आप ऐड कीजिए टर्की जो मौजूदा तुर्किया जिसको कहा जाता है, पूरा तुर्की उसके अंदर शामिल था। प्लस इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा सीरिया को, शाम को, उस जमाने के अंदर शाम भी रोमन एम्पायर के अंदर शामिल था। प्लस इसके अंदर मेडिटेरेनियन सी, उसकी जो कोस्टल लाइन है, उसके जो इलाके हैं, ये सारे के सारे भी रोमन एम्पायर के अंदर शामिल थे। तो ये रोमा की पूरी सल्तनत थी और ईरान का जो पर्शियन एम्पायर है वो तो अपनी जगह पर। और जिस जमाने में पैगंबर अकरम ऐलान रिसालत कर रहे थे एट दैट टाइम तकरीबन 100 साल से एक सेंचुरी हो चुकी थी, एक सी सॉ, एक झूला, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, कभी ये जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, कभी ये गालिब आते हैं कभी वो गालिब आते हैं, ये चल रहा है। अच्छा, अब कभी भी अगर ये कहा जाए कि जनाब इनके दरमियान जंग हुई ये जीत गया, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल पैरिश हो गया, वो ख़त्म हो गया। यानी ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गर्द ऑर्बिट्स होते हैं, तो वो ऑर्बिट्स के अंदर कुछ कमी बेशी होती रहती है, लेकिन न्यूक्लियस के साथ वाले जो इलाके जितने भी हैं वो सारे के सारे अपनी जगह पर इंटैक्ट रहते हैं। तो ये मामला इसी तरीके से होता है, ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज के ऊपर जंग हो गई, इधर से हमला हो गया, कुछ इलाके इनके ले लिए, इधर से हमला हो गया, कुछ इलाके उधर चले गए, कभी ये मार ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा इलाके चले जाते हैं, कभी कम तो कम। जिस ज़माने में सूरह रोम नाजिल हो रहा था उससे जस्ट पहले 602 ईस्वी में, यानी 602, अब ये मैं ईस्वी कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी राइट नाउ हम लोग 2024 के अंदर हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 602 की, 602 ईस्वी में बाकायदा जंग हुई। उस वक्त हुजूर की एज थी 31 ईयर्स, पैगंबर अकरम 31 साल के थे, यानी पैगंबर अकरम ने ऐलान रिसालत किया है 40 साल की उम्र में। फिर उसके बाद 614, ये जो 602 हिजरी के अंदर बाकायदा जो जंग शुरू हुई उसका रिजल्ट निकला 614 में, 614 के अंदर खुसरो परवेज उसके हाथों रोमन एम्पायर की शिकस्त हुई। ये मतलब नहीं है कि रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, मगर रोमन एम्पायर ने अपना बहुत बड़ा इलाका लूज कर दिया। उसके अंदर इलाका तुर्की का भी था, उसके अलावा सीरिया, पैलेस्टाइन, ये सारे इलाके उन्होंने लूज कर दिए। और जब उन्होंने लूज किए, यरूशलम पूरा तबाह हो गया,
यरूशलम ईसाइयों के लिए बहुत माना रखता था, उनके लिए उसकी बड़ी अहमियत थी। और ये बात जहन में रखिएगा कि ये सारे का सारा रोमा क्रिश्चियन तो बहुत पहले हो चुका था, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं 602 की और 614 की, तो तकरीबन 3 सदी पहले ये सारे के सारे क्रिश्चियनिटी को एज अ फॉर्मल रिलीजन के तौर पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब यहाँ पर इनको इतनी बड़ी मार पड़ी है और इनके इलाके भी हाथ से चले गए, यरूशलम भी तबाह हो गया, यहाँ तक कि वो जो क्रॉस, जो मुकद्दस सलीब इनकी थी, कि जिसके बारे में उनका अकीदा ये था कि इसी के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था, उनको सूली पर चढ़ाया गया था, सलीब दी गई थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। यानी वो उनके लिए कितनी एक अहम निशानी थी, मगर वो भी उन्होंने लूज कर दी। बैसत को उस मौके पर तकरीबन 5 साल से कुछ ज्यादा का अरसा हो चुका था, यानी पैगंबर अकरम का ऐलान रिसालत किए हुए 5 ईयर्स प्लस का टाइम हो चुका था, और उसके 1 साल के बाद ही तकरीबन, या चंद महीनों के बाद आप समझ लीजिए कि वो वाकया पेश आया कि जिसको कहते हैं पहली हिजरत। यानी एक रोम मगलूब हो गया, रोम मगलूब हो गया और उसके सबसिक्वेंट एक वाकया क्या होता है कि मुसलमान पहली हिजरत करते हैं और मक्का से ये रेड सी को क्रॉस करके चले जाते हैं इथोपिया, हबशा, और वहां पर इनको पनाह किसने दिए, इनको पनाह दिए नजाशी। नजाशी कौन था? नजाशी क्रिश्चियन था। नजाशी जब क्रिश्चियन था तो उसका स्टेट का जो मामला था वो क्या था? वो एलाई था रोम का, यानी रोम से उसका मामला बिल्कुल एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था। अब आप इन तमाम बातों को एक साथ जोड़िए, एक तरफ खालिसतन रिलीजियस एंगल से अगर आप देखें तो जो पर्शिया है वो कौन है? वो है आतिश परस्त, फायर वर्शिपर्स, जो आग की पूजा करने वाले हैं, वन। दूसरी तरफ क्रिश्चियंस कौन है? जितनी भी उसके अंदर ऑल्ट्रेशन हो, जितनी भी उसके अंदर तरमीम हो, मगर ये सारे के सारे अफराद बहरहाल तौहीद की बात करने वाले हैं, चाहे उसकी स्पिरिट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो इन द नेम ऑफ ट्रिनिटी, अगरचे वो कहते थे इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट, मगर हैविंग सेड दिस वो तौहीद की बात करते थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो एक खुदा के मानने वाले हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली 3 खुदाओं की बात कर रहे हो, लेकिन उनको शिर्क के लफ्ज से चिढ़ थी, वो शिर्क के लफ्ज को ओन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने आप को पॉलीथियस्ट डिक्लेयर नहीं करते थे, वो अपने आप को मोनोथियस्ट डिक्लेयर करते थे। वो कहते थे हम तो मुवाहिद हैं, हम तो एक खुदा के मानने वाले। इसीलिए अगर आप देखेंगे जब मुबाइले के वाक़े में वो लोग आए भी थे और पैगंबर अकरम ने उनको दावत दी थी कि तुम एक खुदा की पूजा करो, परस्तिश करो, तो उन्होंने कहा हम तो पहले ही खुदा की परस्तिश करते हैं, तो पैगंबर अकरम ने उनको ट्रिनिटी की तरफ मुतवज्जे किया कि ये जो तस्लीस की तुम बात करते हो ये उस तौहीद के तकाजे के खिलाफ है। मगर वो अपने आप को एक आसमानी दीन के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार होने के एतबार से तौहीद के हवाले से प्रेजेंट करते थे। जो मुशरिकीन मक्का है उनका जो आपस में डिस्कशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? उनका डिस्कशन ये कि देखो ये लोग गालिब आ गए, कौन? ईसाई मगलूब हो गए रोम वाले, और दूसरी तरफ ये जो पर्शियन एम्पायर है वो गालिब आ गया। कहाँ गया खुदा? खुदा कहाँ है? अगर वो एक खुदा था, अगर वो अल्लाह था, वो किधर गया? ये लोग मगलूब हो गए जबकि ये खुदा के मानने वाले थे, और ये लोग आतिश परस्त थे, तो ये तो हमारे जैसे हो गए, ये तो हमारे भाई बंद हो गए, ये गालिब आ गए। जिस तरीके से ये गालिब आए इन पर, इसी तरह से हम गालिब आएंगे इन पर। ये इक्वेशन है कि जो उन्होंने वहां पर ड्रॉ की। आई होप कि बात आपके लिए वाज़ेह हो रही है। 1, नंबर 2, इमीजिएटली ये हबशा की तरफ, इथोपिया की तरफ हिजरत, और हिजरत के नतीजे में इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, और जोर लगाने के बावजूद दे कुड नॉट गेट बैक, कि जो वहां से मुसलमान गए थे, आप जनाबे जाफर तैयार अलैहिस्सलाम का पूरा वाक्या सुनते हैं कि उन्होंने कैसे केस प्लीट किया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और जो रेफ्यूज उनको दिया था, जो पनाह उनको दी थी, वो एसाइलम कंटिन्यू रहा, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो उसका नतीजा क्या निकला? ये लोग नाकाम वापस आए गुस्से में भरे हुए। वो वाकया हो चुका था, रोम मगलूब हो गया और अनकरीब वापस वो गालिब आएगा, तो ना कोई गालिब वालिब कुछ नहीं आएगा। अब ये टॉक ऑफ द टाउन है एक खालिसतन उस रिलीजियस ग्राउंड पर। दूसरे जो इनको एक पॉलिटिकल डिफीट हुई कि ये यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, हम इनको वापस ला नहीं सके, किन्होंने इनको पनाह दी? हबशा वालों ने। हबशा वाले कौन? रोम के एलाइज। एज अ रिजल्ट और ज्यादा इनका गुस्सा इस हवाले से बढ़ने लगा। ये 2 रीजंस हुए। अब कुरान मजीद ने जो इस हवाले से बात की है ना, उसको आप जरा सा देखिएगा। अनकरीब ये गालिब आ जाएंगे, और फिर वो दिन आएगा कि जब मोमिनीन खुशियां मनाएंगे, अल्लाह की मदद उनको मिलेगी और मोमिनीन खुशियां मनाएंगे। मोमिनीन किस बात पर खुशियां मनाएंगे?
किस बात पर? एक बात तो यही कही गई कि जनाब ठीक है, एक बुनियादी जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो क्या था कि ईसाई एक खुदा के मानने वाले हैं, जैसे भी हैं मगर एक खुदा के मानने वाले, मगलूब हो गए तो अब ये गालिब आ जाएंगे। जब ये मगलूब हो गए थे तो ये बुतपरस या आइडल वर्शिपर्स ये खुशियां मना रहे थे, मगर अब क्या होगा कि जब ऐसा हो जाएगा तो फिर उल्टा मामला हो जाएगा कि मुसलमान खुशियां मनाएंगे, मुसलमान अल्लाह की मदद को इंजॉय करेंगे। एक दूसरी बात जो साथ ही साथ कही गई वो ये कि परवरदिगार आलम इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है, यानी अभी एक पेशन गोई थी, अब ये दो पेशन गोइयां बन रही हैं। एक तो ये कि रोम वाले गालिब आ जाएंगे, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब वो गालिब आ रहे होंगे साइमल्टेनियसली एक को इंसिडेंस होगा जिसके बारे में हम तुमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और वो क्या होगा? वो ये होगा कि उसी मौके पर मुसलमानों को अल्लाह की मदद से एक बहुत अहम खुशी हासिल होगी विच रिमेंड एम्बिगुअस कि वो कौन सी खुशी है कि जो मुसलमानों को हासिल होगी। अब आप कोइंसिडेंस देखिए, बिज ए सिनीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आयत के अल्फाज अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मगर मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि ये ओवरव्यू आपके लिए क्लियर हो जाए कि ये जो बिज ए सिनीन का लफ्ज परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया है ये अप्लाई करता है 3-9 एंड इन सम केसेस 3-10, यानी परवरदिगार आलम ने इस मामले को यूं नहीं बयान किया चार साल के बाद ये हो जाएगा, पांच साल का ना, 3-9 साल के दरमियान कभी भी ये वाकया पेश आ जाएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि और क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जाए, तजस्सुस और बढ़े, तुम और ज्यादा इसके बारे में तजस्सुस का शिकार हो जाओ। यहां तक कि अभी 3 साल तो हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 4 साल तो हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 5 साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अब तो टाइम बहुत क्लोज होते जा रहा है। मुसलमानों में से कौन कितना मोमिन है ये भी पता चल जाए, और जो मुशरिकीन है उनका मामला भी आहिस्ता आहिस्ता उस क्लाइमेक्स की तरफ जाए। एज ए रिजल्ट हुआ क्या? हुआ ये कि पैगंबर अकरम हिजरत करके मदीने आ गए, यानी जब ये आयत नाजिल हुई थी पैगंबर अकरम मक्का में थे, जब आयत नाजिल हुई थी उसके फौरन बाद पहली हिजरत थी हिजरत हबशा, पहली हिजरत हो गई, हिजरत के बाद दूसरी हिजरत हो गई, पैगंबर अकरम मदीना आ गए, और मदीना आने के बाद वो साल आया कि जिसमें जंग बदर बरपा हुई। और क्या कोइंसिडेंस है कि जंग बदर में जब मुसलमानों को फतह मिली वही साल वो बना कि जब रोम फिर से गालिब आ गया और पर्शियन एम्पायर मगलूब हो गया। दोनों जो पेशन गोइयां कुरान मजीद ने की थी वो बिल्कुल साइमल्टेनियसली विद इन द गिवन टाइम फ्रेम उसी रेंज के अंदर पूरी तरीके से सही साबित हुई, और उसकी वजह से बहुत सों के लिए हुज्जत तमाम हो गई कि जब ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे मामलात परवरदिगार आलम की तरफ से इन्फॉर्म किए गए थे और अब उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। 615, मैं सिर्फ इसको कंप्लीट कर लूँ कि 615 615 ईस्वी में हबशा की तरफ हिजरत हुई, और फिर उसके बाद सूरह रोम जो नाजिल हो चुका था, फिर 622 में 622 के अंदर हरकुल आजम जो हरकुलीस कहलाता है उसने एक लंबा चक्कर काट कर कैस्पियन सी के बैक से ईरान के ऊपर अटैक किया था, पर्शिया के ऊपर, और फिर उसके बाद जो उनके छीने हुए जितने भी इलाके थे वो उन्होंने उसको वापस से हासिल कर लिए, और उसी ज़माने में जंग बदर का वाकया भी हुआ था। एक दूसरा कॉल सुलह हुदैबिया का भी है मगर वो मुझे बहुत बईद लगता है। बहरहाल अब आइए इस तमाम बैकग्राउंड के बाद अब हम उन अल्फाज की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुकत्तियात है। आपको याद होगा पहले भी ये बात हुई थी सूरह अनकबूत में भी सूरह कसस में भी कि हुरूफ मुकत्तियात के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की हक्कानियत को समझाने की कोशिश की कि ये वही हुरूफ हैं कि जिनके ज़रिए से ये 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, वो फरमाते हैं कि खुदा ने इसके ज़रिए से ये समझाया। हुरूफ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स वही हैं कि जिनको तुम रोज़ाना इस्तेमाल करते हो। अगर तुम समझते हो कि ये किसी इंसान की ह्यूमन एफर्ट का नतीजा है ये किताब ये सूरा, तो एक काम करो इन्हीं लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को तुम भी जोड़ो, लफ्ज़ बनाओ, लफ्ज़ों को जोड़ो, जुमले बनाओ, जुमलों को जोड़ो, मज़मून बनाओ, छोटा सा मज़मून एक सूरे के बराबर अगर तुम बनाने में कामयाब हो जाओ तो हम अपने रिसालत के दावे से दस्तबरदार हो जाएंगे।
और अगर ना बना सको तो तुम अपनी बुत परस्ती से दस्तबरदार हो जाओ। ये बड़ा 2+2=4 वाला मामला है। आम तौर पर आप देखेंगे कि जहां कुरान मजीद में हुरूफ मुकत्त्यात आए हैं उनके फौरन बाद कुरान की अजमत का जिक्र आया है। सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रायब बाफी, उसको उसके साथ लिंक किया गया। ये किताब जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। सूरह इब्राहिम 14वां सूरह अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नासा मिनज़ुलुमाति इलन नूर, ये किताब है कि जिसको हमने नाजिल किया है आपके ऊपर ताकि इंसानों को निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। किताब वहां पर भी किताब, यहां पर भी किताब। यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐसीन सैयद सरदार मगर यासीन हुरूफ मुकत्त्यात, हिकमत वाले कुरान की कसम आप यकीनन रसूलों में से। किताब किताब किताब, हुरूफ मुकत्त्यात किताब। यहां पर परवरदिगार आलम ने किताब का जिक्र नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग है, यानी अगर आप लफ्ज के एतबार से देखें तो परवरदिगार आलम ने यहां पर अलिफ लाम मीम गुलिबत रोम, रोम मगलूब हो गया, किताब का जिक्र नहीं है। आमतौर पर 99% केसेस में जहां पर भी हुरूफ मुकत्त्यात हैं उनके फौरन बाद किताब का कोई ना कोई जिक्र मौजूद है, विद ओनली फ्यू एक्सेप्शंस, वन ऑफ देम सूरह रोम, गुलिबत रोम, रोम मगलूब हो गया, फी अदनल अर्ज करीब की सरजमीन में, वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलबून, और वो इस गलबे के बाद अन करीब खुद गालिब आ जाएंगे उन लोगों पर। ये यहां पर कुरान का जिक्र नहीं किया गया, इसको भी डिस्कस किया उलमा ने। उन्होंने कहा कि ठीक है डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया है मगर इनडायरेक्टली तो डिस्कस किया है। इनडायरेक्टली तो यही है कि हम खबर दे रहे हैं इसी किताब के अंदर इन्हीं हुरूफ के जरिए से, अगर तुम इसे झूठा साबित कर दो तो हम मान लेंगे कि किताब किताब खुदा नहीं, और अगर साबित ना कर सको तो फिर अपनी हठधर्मी को छोड़ो, फिर यह स्टबन अप्रोच जस्टिफाइड नहीं है। गुलिबत रोम, रोम मगलूब हो गया। अब आप देखेंगे कि लफ्ज रोम यहां पर इस्तेमाल हुआ है मगर रोम कहां था, क्या था, यह सब कुछ आयत से समझ में नहीं आएगा। अगर यह बैकग्राउंड जो मैंने आपके सामने बयान किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपके सामने ना बयान करूं, रोम क्या है? जगह का नाम है, मोहल्ले का नाम है, शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, एम्पायर का नाम है, किसकी बात हो रही है? मगलूब हो गया, किससे मगलूब हो गया, कौन गालिब आ गया, वो जिक्र नहीं है यहाँ पर। फारस का जिक्र नहीं है। आप गौर कीजिएगा, मैं बिल्कुल टॉन्ट नहीं करता लेकिन यह कि बहरहाल आपके शौक से बहुत नज़दीक होकर कहूँगा कि अगर कुरान काफ़ी है तो इस आयत से बताया जाए कि रोम से मुराद क्या है। जो रेलिवेंट उलूम है उनको आप नज़रअंदाज करके किस तरीके से किसी चीज को इंटरप्रेट कर पाएंगे? गुलिबत रोम, बिल्कुल रोम मगलूब हो गया। हम गुलिबत का मतलब देख लें हमको समझ में आ जाएगा मगलूब हो गया। हम रोम का मतलब देख लें डिक्शनरी के अंदर तो हमको समझ में आ जाएगा कि ठीक है एम्पायर था, मगर क्या, कौन गालिब आया, किसने उसके ऊपर हमला किया, ये जो कहा जा रहा है उसका इफेक्ट क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था, क्या उसका ताल्लुक था? फी अदनल अर्स करीब तरीन जमीन में, यानी जहां पर यह बात हो रही है उसके करीब तरीन के एक इलाके के अंदर यह वाकया हुआ। वो जमीन कौन सी थी? सीरिया, पैलेस्टाइन, टर्की, जो मैंने बात की आपके सामने, सिर्फ लफ्जों को देखकर आप कहां समझ पाएंगे? वह हुम मिन बाद गलबहिम सयगलबून, और वो इस गलबे के बाद कि जिसमें ये मगलूब हो गए एक मरतबा फिर डोमिनेंट हो जाएंगे, यानी जिन्होंने इन पर गलबा किया था वो इनके ऊपर गालिब आ जाएंगे। फी बिज़ सिनीन, चंद ही सालों के अंदर। बिज़ा ये लफ्ज आपके जहन में होगा, वो हदीस आप रिकॉल करें, फातिमा तो बेजा तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, टुकड़े के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। बिज़ा, बज़अत, बिज़अत, बिज़ा, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। सिनीन, चंद सालों में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब ये वाक्या पूरा होगा। बिज़ा का क्या मतलब है? 3 to 9 years एंड इन सम केसेस 3 to 10 years। आपने गौर किया, सिर्फ बिज़ा से यह समझ में नहीं आएगा, उसके लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लिल्लाहिल अम्र मिन कब्ल व मिन बाद, अल्लाह ही के लिए है अम्र, पहले भी और बाद में भी, यानी पहले की अगर वो खबर दे रहा है तो वो दे सकता है, बाद की अगर खबर दे रहा है तो वो दे सकता है। पहले जो हुआ वो भी उसके इल्म में है, बाद में जो होगा वो भी उसके इल्म में है, वो जब चाहे स्ट्रिंग्स खींच सकता है, परवरदिगार आलम जब चाहे बागें ढीली कर सकता है, जब चाहे बाग खींच सकता है। ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम को शिकस्त दी जा सकती है।
मामला सारा यह है कि इस दुनिया के अंदर तुमको एक महदूद इख्तियार दिया गया, मगर उस महदूद इख्तियार के अंदर भी परवरदिगार आलम जो करना चाहता है तो खुदा को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरी। ये अपना मकर करते हैं, अल्लाह अपना मकर करता है, अपनी प्लानिंग करता है, अपनी तदबीर करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। फिबिज एसिनीन, चंद सालों में ये हो जाएगा, सुन लो। लिल्लाहिल अम्र मिन कब्ल व मिन बाद, अल्लाह ही के लिए अम्र पहले भी और बाद में भी। व यौम इज़िन यफ़रहुल मोमिनून, और जब ऐसा होगा उसी दिन मोमिनीन खुश होंगे। यफ़रहु फरहत से निकला, आप फरहत का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फरहत, इनबिसात, खुशी, सुरूर, जॉय। यफ़रहुल मोमिनून, वो दिन के जब मोमिनीन खुश होंगे, बिनसरिल्लाह, अल्लाह की नुसरत की वजह से, यानी अल्लाह की नुसरत इन मोमिनीन के शामिल हाल होगी। वो बदर का मैदान कि जहां परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए से भी मदद की थी, यदुल्ला के जरिए से भी मदद की। मौलाए कायनात की तलवार है कि जिसने जंगे बदर के अंदर आधे काफिरों को वासिल जहन्नम किया था, 70 में से 35 अफराद मौलाए कायनात के हाथों कत्ल हुए थे, बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद के जरिए से। यंसुरु मैयशा, अल्लाह जिसको चाहे अपनी मदद से नवाज दे। वहुवल अजीजुर रहीम, वो खुदा अजीज भी है और खुदा रहीम भी है। अजीज का मतलब होता है जबरदस्त, अजीज इज्जत से निकला है, मगर वो साहिब इज्जत के जो जबरदस्त हो, शिकस्त ना पजीर हो, कि जिसको कोई शिकस्त ना दे सके, उसको कहते हैं अजीज। यानी परवरदिगार आलम इसके अंदर क्या समझाना चाहता है कि तुम ये देखते हो कि कभी ये गालिब आ गया, कभी वो गालिब हो गया, मगर इतना समझ लो कि ये जो तुमको गालिब नजर आते हैं, कभी मगलूब होते हैं, कभी मगलूब गालिब होते हैं, ये चलता रहता है मामला। एक वो है कि जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, वो खुदाए अजीज और रहीम है। मतलब क्या है, इसलिए कि ये बात आगे मजीद परवरदिगार आलम खोल कर बयान करेगा कि इतना शॉर्ट साइटेड मत हो जाओ, तुम्हारी नजर इतनी महदूद नहीं होनी चाहिए, तुम्हें विजनरी होना चाहिए, तुम आगे की तरफ देखने वाले बनो। मसला क्या है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो जाहिर है उसको देख कर एक फैसला कर लेता, वो कहता है कि अब तो ऐसा ही होगा। ना, ऐसा नहीं होगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है कि जो हम पलटाते रहते हैं लोगों के दरमियान, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। वो जो महदूदियत है ना जिंदगी की, उसको समझाने के लिए वो मशहूर शेर है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार। यानी जिंदगी इतनी मुख्तसर के चार दिन दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। आरजू रही ये हो जाए ये हो जाए, दो इंतजार में। वो आरजू पूरी कब होगी, वो कब पूरी होगी आरजू, वो तमन्नाएं कब पूरी होंगी। इसके अंदर अगर आप देखें टोटल अटर डिसअपॉइंटमेंट है इस शेर के अंदर। जिंदगी का इख्तिसार, जिंदगी ब्रीफ है, ये बात सही है, मगर टोटल डिसअपॉइंटमेंट है, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। परवरदिगार आलम ये नहीं कहता, परवरदिगार कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है, हम पलटाते रहते हैं लोगों के दरमियान, कभी के दिन कभी की रातें, कभी तुम्हारा दिन होता है और कभी किसी और का होता है। एवरी डे इज नॉट संडे माई डियर, लेकिन ये कि बहरहाल संडे भी आता है, वो कारोबार नहीं चल रहा था, चल पड़ेगा। इन्ना मअल उस्रे युस्रा, यकीनन उस्र के साथ युस्र है। उस्र का मतलब परेशानी, युस्र का मतलब आसानी। परेशानी भी आती है, आसानी भी आती है, चलता है इसी तरीके से चलता है। कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी माल, कभी फकर, कभी दौलत, कभी उसरत, ये होता है, जिंदगी के ये मामलात हैं। मगर किसी के कारखाने देखकर ये मत समझो कि ये हमेशा कारखाने वाला रहेगा, किसी को फुटपाथ पर देखकर ये मत समझो कि ये हमेशा फुटपाथ पर रहेगा। ये जिंदगी के मामलात तब्दील होते हैं। हाँ, योर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, डू योर बेस्ट एंड लीव ऑन गॉड, लेकिन ये बहरहाल करो तो सही, अपने हिस्से का तो कोई कंट्रीब्यूशन पेश करो। अहमद फराज का बहुत प्यारा शेर है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।
अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, एक आया अंधेरा बहुत है चला गया, दूसरा अंधेरा बहुत है चला गया, तीसरा अंधेरा बहुत है चला गया, चौथा आया उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मोमबत्ती जला, वो अंधेरा छट गया। अब उस मोमबत्ती के साथ एक दूसरी कैंडल आप जला दीजिए तो रोशनी दो चंद हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपने हिस्से का तो कोई काम करें, फिर उसके बाद छोड़ दें खुदा के ऊपर, तो बिल आखिर तो सबने चले जाना है, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। तो अपना हिस्सा इंसान डाले और आगे बढ़े, यही वो चीज है कि जिसको परवरदिगार यहां पर बयान कर रहा है। मौला का भी वो जुमला सुनिए, मौला फरमाते हैं अद्दहरु यौमान, समाना दो दिनों का नाम, अद्दहरु यौमान, जमाना दो दिनों का नाम है, यौमुन लक व यौमुन अलेक, एक दिन है जो तुम्हारे फेवर में होता है, दूसरा दिन है जो तुम्हारे अगेंस्ट होता है। तो चलेगा मामला इसी तरह, तुमको अच्छा लगता है तो भी ऐसा ही होगा और तुमको बुरा लगता है तो भी ऐसा ही होगा, ये कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम कंसिस्टेंसी की कोशिश करो, बट बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि कंसिस्टेंसी दुनिया के मिजाज के खिलाफ है। वो जन्नत में होता है मामला, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ये दुनिया है, दुनिया के अंदर जो होगा दुनिया ही के अंदाज से होगा। अपनी कोशिश करो और आगे बढ़ो, ये है कुल खुलासा। और अब मुझे भी अपनी कोशिश करनी है तकरीर खत्म करने की, इसलिए कि वरना फिर दिन दो तरह के हो। बहरहाल बरादरान अजीज, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यकीन जानिए कि अगर मंजिल मसाइब पर भी मैं आपसे कहूं, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट आप देखें और आगे कुछ अलग हो सकता है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, तो करबला के अंदर जो हुआ उसके बाद तो आले मोहम्मद को बचना ही नहीं चाहिए। मगर आप गौर कीजिए कि वो खुदा जो सूरह रोम के अंदर कह रहा है ये मगलूब अनकरीब गालिब आ जाएंगे अल्लाह की मदद से, तो क्या बात है कि परवरदिगार ने कुरान के अंदर कहा इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, इन्ना शाने अका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन अब्तर रहेगा। तो दुश्मन कहां अब्तर रहेगा, करबला के अंदर तो आले मोहम्मद कत्ल हो गए, का एक सैयद सज्जाद एक मोहम्मद बाकिर, मगर याद रखो मेहदी मुंतजर तक इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। वो 35 बरस तक गिरिया भी करेगा, वो हुसैन को याद भी करेगा, खून के आंसू भी रोएगा, वो पानी देखेगा और हुसैन की प्यास को याद करेगा। मत भूलिएगा, इस वक्त हम लोग माह रमज़ान का पहला रोज़ा तो गुजार चुके हैं, ज़ाहिर है कि मैं जानता हूँ साहिबान तखवा मेरे सामने मौजूद हैं कि जिन्होंने शाबान में भी बहुत रोज़े रखे, रजब में भी बहुत रोज़े रखे, बहुत से आप में से ऐसे दीनदार अफराद हैं कि जिनका एक सिलसिला साल भर रहता है हफ्ते में 2 से 3 दिन रोज़ा रखने का। अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल करे। मगर इतना तय है ना कि जब गर्मी में इंसान रोज़ा रखता, या अगर नए जवानों ने बालिग होने के बाद पहली मर्तबा रोज़ा रखा हो तो वो जानते हैं कि कुछ भी कर लें, बहरहाल दिन भर प्यासा रहने के बाद प्यास के गलबे से इंसान एक अजीब खस्तगी महसूस करता है, थकन का एहसास करता है, मगर जब उसके सामने पानी आता है तो वो पानी की तरफ लपकता है। क्या अजीब बात है कि सैयद सज्जाद के सामने जब पानी आता है तो सैयद सज्जाद इफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। कोई कहता भी है मौला रोजा पूरा हो गया, ये तो इफ्तार का वक्त है, सामान इफ्तार आपके सामने मौजूद है, पानी मौजूद है, गिजा मौजूद है, खाना खाइए, पानी पीजिए। तो सैयद सज्जाद कहते हैं मैं कैसे खाना खा लूं, कोतला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अचानक, मेरा बाबा प्यासा ज़िबा कर दिया, मैं कैसे खाना खा लूं, कुतला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन जायान, मेरा बाबा भूखा कत्ल कर दिया, जो भूखा और प्यासा मारा गया उसका बेटा कैसे खाना खाए, कैसे पानी पिए। और यकीन जानिए अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने एक मरतबा रब दिया था इन दोनों वाकयात को, किसी ने सवाल किया कि मौला कब तक आंसू बहाएंगे, तो कहा कि याकूब का एक यूसुफ नज़रों से ओझल हो गया, तो इतना गिरिया किया कि याकूब की दोनों आंखें सफ़ेद हो गई, मेरे 18 यूसुफ मेरी नजरों के सामने कत्ल कर दिए, क्या मुझे गिरिया करने का हक नहीं। वो कहता है कि मौला मगर हो सकता है कि याकूब के घराने का ये पहला वाकया हो, आपके घराने का पहला वाकया तो नहीं है, शहादत तो आपकी मीरास है। अब सैयद सज्जाद कहते हैं कि यकीनन शहादत हम आले मोहम्मद की मीरास है, मगर तूने इंसाफ नहीं किया, क्या ये भी मेरी मीरास है कि मेरे घर की खवातीन को बेमकना हो चादर के बाजारों और दरबारों के अंदर ले जाया जाए और मुनादी निदा दे रहा हो तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, ये आले मोहम्मद के घर आने की खबर। अल्लाह लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लबून।
بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. جن مرحوم کا آج سویم ہے خاص طور پر ان کے لیے دعا, مالک ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما. اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما. باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. خصوصاً مرحوم حسن علی حسین مراج اور ساتھی شامل فرمائیے گا, مرحوم روشن علی حسین مراج, ذوالفقار حسین مراج, صادق علی مراج, سلطان علی حسین مراج, فاطمہ بھائی حسین مراج, مراج خاندان کے مرحومین, بانیان مجلس کے مرحومین, شیخ محسن علی نجفی, عبد الحسین بھانجی, حسین علی عبد الحسین, حسینہ بھائی بنت باقر یا حسینہ بھائی بنت باقر, کرجت والا خاندان کے مرحومین, پٹیل خاندان کے مرحومین, مکانی خاندان کے مرحومین, انور علی کاظم علی سپاری والا اور سپاری خاندان کے مرحومین, رضیہ بھائی راجپال, عبداللہ کے خاندان کے مرحومین, سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے مرحومین, برکت علی نایانی, فدا حسین محمد علی آڑت, نور علی فدا حسین آڑت, زبیدہ قاسم علی رحمانی, مریم شفیق ایدن والا, زبیدہ قاسم علی رحمانی, مریم شفیق حسین ایدن والا, شرافت علی خاندان کے مرحومین, سید گلزار احمد زیدی, سیدہ شہربانو زیدی, بہادر علی سومانی, فضل علی ابن اکبر علی اور ان کے خاندان کے مرحومین, وإلی أرواح المؤمنین والمؤمنات وإلی أرواح الشہداء. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین, یا علی ابن ابی طالب سید الوسیین, السلام علیک یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتمع, السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین علی الخصوص سیدی و مولای یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جمیعا و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلطان ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا, کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیک یا صاحب الاسر و الزمان, الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا کعبۃ الایمان, السلام علیک یا امام الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک ورزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرة شفاعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.